टिंडर या बम्बल या फिर कोई और डेटिंग ऐप, आप या आपका कोई पहचान वाला इनका यूज करता होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डेटिंग ऐप्स आजकल क्रिमिनल्स के लिए नया स्पॉट है। भारत समेत दुनिया भर के कई देशों से डेटिंग ऐप्स के जरिए किडनैपिंग, लूट और हत्या जैसी खबरें सामने आती रहती है। कोलंबिया जैसे साउथ अमेरिकी देश में विदेशियों को चेतावनी जारी हुई है कि वो डेटिंग ऐप्स बहुत सावधानी से यूज करें। इसके साथ ही कई और देशों में भी डेटिंग ऐप्स को बैन करने की मांग की जा रही है। लेकिन कैसे डेटिंग ऐप्स क्रिमिनल्स का अड्डा बनते जा रहे हैं और वो लोगों को अपने जाल में कैसे फंसाते हैं, जानते हैं। डेटिंग ऐप्स के जरिए किडनैपिंग, हत्या या लूट जैसी वारदात के कई उदाहरण हैं, जैसे नेटफ्लिक्स पर मौजूद टिंडर स्विडलर नाम की एक डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि किस तरह अपराधी लूट की घटनाओं को अंजाम देता है। भारत में रमेश कुमार स्वयं नाम के व्यक्ति ने भी इस डॉक्यूमेंट्री की तरह ही पैसे के लिए 10 अलग अलग राज्यों की 27 महिलाओं से शादी की और उन्हें धोखा दिया। तो वहीं श्रद्धा वॉलकर मर्डर केस तो आपको याद ही होगा कि कैसे बम्बल से मिला युवक उसकी हत्या कर देता है। वहीं कर्नाटक में एक केस दर्ज हुआ था जहां एक महिला ने अपने टिंडर डेट से लाखों रुपए लूट लिए थे। वहीं ग्रिंडर ऐप, जो खासतौर पर LGBTQI कम्युनिटी के लिए है, उसे दक्षिण अफ्रीका में बैन करने की मांग की जा रही है क्योंकि इसके जरिए वहां किडनैपिंग के केस काफी बढ़ रहे हैं। साओ पाउलो सिक्योरिटी सेक्रेटरिएट के मुताबिक ब्राजील के शहर साओ पाउलो के आंकड़े देखें तो 2022 में वहां होने वाले 10 में से 9 किडनैपिंग डेटिंग ऐप्स पर मिले पार्टनर्स ने की। इनमें से कई आरोपी नाबालिग भी थे। लेकिन अपराधी डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं और दूसरों को कैसे फंसा लेते हैं, इसके लिए सबसे पहले एक फर्जी अकाउंट बनाया जाता है। चैट जीपीटी और डेली टूल से अब फेक प्रोफाइल को रियल बनाना और भी आसान हो गया है क्योंकि अब अपराधियों को किसी और की फोटो या पहचान चुराने की जरूरत तक नहीं है। फिर ऐसे नकली अकाउंट का यूज करके वो अपना शिकार ढूंढते हैं। रोमांटिक डेट के बहाने अपराधी उन्हें किसी एकांत जगह पर जाने के लिए मना लेते हैं, फिर उन्हें लूट लेते हैं या फिर उन्हें बुरे हाल में छोड़कर भाग जाते हैं। कई बार उसके बैंक कार्ड, फोन में रखी इन्फॉर्मेशन तक चोरी की जाती है। कई बार उनके रिश्तेदारों से पैसे वसूलते हैं या उन्हें ब्लैकमेल करने लगते हैं या फिर उन्हें ही ब्लैकमेल करने लगते हैं। साथ ही अपराधी बातचीत का डेटा तक चुरा लेते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपराधी खास तौर पर उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो सोशल मीडिया पर खुद को बेहद अमीर दिखाते हैं। इसमें अक्सर उम्रदराज लोग शिकार बनते हैं। चिंता की बात यह है कि ऐसे अपराधी अक्सर पकड़े नहीं जाते क्योंकि ऐसे डेटिंग अकाउंट्स के लिए अपराधी ऐसे फोन का यूज करते हैं जिन्हें ट्रैक करना आसान नहीं होता। साथ ही फिरौती की रकम भी डिजिटली मांगते हैं। उदाहरण के तौर पर ब्राजील में कई अपराधी QR कोड स्कैन करके देते हैं। भारत में भी हर 4 में से 3 लोग डेटिंग ऐप्स के जरिए ठगी का शिकार होते हैं, जिसके लिए सरकार ने लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत भी दी है।